गाइस, आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है माइकल के लिए और हम सबके लिए, क्योंकि आज हम है ना लॉस सैंटोस के अंदर हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। गाइस, हमने एक हनुमान जी की मूर्ति है ना इंडिया से इम्पोर्ट कराई है, तो बहुत बड़ी मूर्ति है वो। उसकी हाइट है ना बहुत ही ज्यादा है, तो आप गैस करना कितनी हाइट है उसकी। तो ये जो हनुमान जयंती का प्रोग्राम होने वाला है ना, वो ट्रेवर के है ना दोस्त के एयरपोर्ट पर होने वाला है। गाइस, ट्रेवर ने बोला था कि हनुमान जयंती का प्रोग्राम है ना सारा मैं करूंगा अपनी तरफ से। सबने है ना अपने अपने काम बांट रखे हैं। माइकल जो है ना वो पटाखे लेकर आएगा फोड़ने के लिए, स्काई शॉट वगैरह लेकर आएगा। फ्रैंकलिन है ना डीजे वगैरह लेकर आएगा, स्पीकर लेकर आएगा बड़े बड़े गाना बजाने के लिए हनुमान जी का कोई अच्छा सा। तो पूरा एयरपोर्ट वगैरह ट्रेवर सजा रहा है लाइटें वगैरह, क्योंकि रात में है फंक्शन, तो रात में लाइटें चाहिए होंगी, एयरपोर्ट के पास लाइटें नहीं है। माइकल अभी जा रहा है पटाखे लेने के लिए और कपड़े वगैरह भी लेकर आने हैं मेरे को। तो माइकल सोच रहा है कि कुछ ऑरेंज कलर की चीज पहन लेता हूँ, हनुमान जी का रंग तो ऑरेंज ही होता है ना, झंडे का भी ऑरेंज होता है। माइकल ने सोचा है कि कोई टी शर्ट वगैरह ले लेता हूँ या फिर जैकेट ले लेता हूँ मैं ऑरेंज कलर की, तो अच्छा लगेगा। माइकल है ना अभी तीन चार कपड़ों की दुकान पे गया था, लेकिन वहाँ पे है ना माइकल को ना ऑरेंज कलर की शर्ट मिली ना जैकेट मिली, कुछ भी नहीं मिला। माइकल अब एक लास्ट दुकान है वहां पर जा रहा है। उसके बाद मुझे थोड़ी गाड़ी भी वॉश करवानी है, गंदी हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने अपनी फॉर्च्यूनर की लेजेंडर मॉडिफाई करवा दी है, क्योंकि है ना मुझे अभी है ना फ्रैंकलिन के साथ ऑफ रोडिंग पे जाना था। गाय जिसका खर्चा आपको बताऊं कितना आया, 5 लाख रुपए तेरा घर जाएगा इसमें, खर्चे में तेरा घर चले जाएगा। गाइस, इसके अंदर 5 लाख रुपए का लगा है पूरा सौदा, आप देख सकते हो। गाइस, आप अपना चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रख लो, अभी ऑफ रोडिंग वाली भी एक वीडियो आने वाली धमाकेदार, जिसमें फॉर्च्यूनर को लेके जाएंगे और के एंडेवर को लेकर जाएंगे। चलो गाइस, जल्दी से कपड़े की दुकान पर चलते हैं, पहले अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, ऑरेंज कलर का टी शर्ट, फिर इसको धुलवाने के लिए लेकर चलते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे आया था कपड़े लेने के लिए, बट यहाँ का जो शॉपकीपर है ना उसने बोला जो तुम्हें कपड़े चाहिए ना वो यहाँ पर नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोट पैंट वगैरह मिलते हैं। तो गाइस, माइकल को कोट पैंट तो चाहिए नहीं, माइकल को चाहिए ऑरेंज कलर की टी शर्ट या फिर जैकेट, हनुमान जयंती में माइकल पहन सके रात को। गाइस, मैंने आधा लॉस सैंटोस छान मार लिया, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। गाइस, मुझे चाहिए ऑरेंज कलर का कपड़ा, वरना मैं जाऊंगा नहीं हनुमान जयंती में ऐसे। फिर गाइस, ड्राइवर के ही फोन आए जाने, बार बार के टाके ले लिए तूने, वरना सब खत्म हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा नहीं। गाइस, मैंने डर के मारे ड्राइवर को बोल दिया कि हाँ मैं ले चुका हूँ, लेकिन मैंने गाइस कुछ भी नहीं लिया है अभी, तो मैंने अपने लिए कपड़े नहीं लिए अभी, तो मुझे भी बहुत काम करना है, कपड़े लेने हैं, फिर गाड़ी वॉश करवानी है, फिर जाके मैं पटाखे लेकर आऊंगा मार्केट से। गाइस, अब एक लास्ट दुकान बची है लॉस सैंटोस की, उसमें जाना, अगर उसमें भी नहीं मिला फिर मैं ऐसे कोई अच्छे से कपड़े पहन के चले जाऊंगा। गाइस, जल्दी फटाफट चलते हैं उस दुकान के पास, आज जो कपड़े हमें चाहिए वो इस दुकान पे मिल जाए यार, प्लीज मिल जाए भगवान, मान जी प्लीज दिला दो। गाइस, मैं कपड़े की दुकान पर आ चुका था, चलो देखते हैं शर्ट है कोई ऑरेंज कलर में। गाइस, यहाँ पे तीन ही शर्ट है देखो, एक मैरून कलर की है, एक चेक में शर्ट है, शर्ट है क्रीम। गाइस, ये तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए ऑरेंज कलर की, तो ये वाली देखते हैं पोलो के शर्ट में कुछ है। गाइस, इतनी बेकार बेकार स्टॉक है यार इनके पास, क्या दीदी यार, एक स्टॉक भी अच्छा नहीं रख सकते आप यार, हद हो गई, यहाँ पे तो देख चुका हूँ मैं भी यार, बेकार बेकार स्टॉक है, सब एक जैसे ही कपड़े हैं यहाँ पे। दीदी भाई, तुमने कुछ रखा हुआ है अच्छा सा? गाइस, मैंने इस काउंटर वाली दीदी से बात करी, दीदी कह रही है सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है ऑरेंज कलर में, ना कोई शर्ट ना कोई जैकेट। यार अब मैं क्या करूँ यार, इस लास्ट दुकान पर भी नहीं मिली, गाइस लॉस सैंटोस की लास्ट शॉप जो बच रखी थी इस पे भी नहीं मिली ऑरेंज कलर की शर्ट। गाइस, अब शर्ट को मारो गोली, अब जल्दी से जाते हैं अपनी फॉर्च्यूनर को वॉश करवा के लाते हैं, हाथ भी होने वाली है तो हमें जल्दी से पहुंचना पड़ेगा, पटाखे भी लेकर आने हैं, वरना अगर पटाखे खत्म हो गए तो ड्राइवर मेरे को बोलेगा तू तो मुझे कह रहा था कि मैं ले चुका हूँ। गाइस, जल्दी से चलते हैं उसको वॉश करवा के आते हैं। गाइस, हम उस दुकान से निकल चुके थे, अब हम आया थोड़ा पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी में, सुबह से गाड़ी घुमाए जा रहा हूँ, पेट्रोल ही खत्म हो गया है। चलो गाइस, पेट्रोल ही भरा लेते, सुबह से घुमाए जा रहा हूँ, पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में अब। चलो गाइस, इस मीटर में है ना पैसे डालने पड़ते हैं और ये अपने आप पेट्रोल भर देगी। गाइस, मेरी गाड़ी में ना ये पेट्रोल फिल हो रहा है, मैंने 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, 2000 रुपए में अच्छा माइलेज दे देगी। और गाइस, मैं यहाँ पे पेट्रोल भरवा था तभी मेरी नजर सामने पड़ती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार वॉश। गाइस, पेट्रोल पंप के साथ में हमें कार वॉश का भी मिल गया, तो यहीं से वॉश करवाते हैं, फिर चलते हैं मार्केट की तरफ पटाखे लेकर आते हैं। गाइस, गाड़ी के अंदर बैठकर गाइस जल्दी से घुसा लेते हैं गाड़ी कार वॉश के लिए। कितने पैसे लेगा ये? $15। गाइस, लूट बड़ी मचा रखी है बताओ। तो ये हमने अपनी फॉर्च्यूनर घुसा दिया है और ये फॉर्च्यूनर पे पानी मारना चालू कर दिया इन्होंने, अब साबुन वगैरह लगा रहे हैं हमारी दुल्हन रानी को, अच्छे से साबुन वगैरह लगा दिया है, अब ये दोबारा से पानी मारे जा रहा है, फॉर्च्यूनर का साबुन निकाले जा रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम छक काश बोले तो। गाइस, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है हमारी फॉर्च्यूनर। गाइस, अब जल्दी से चलते हैं मार्केट पटाखे लेने के लिए, स्काई शॉट वगैरह, हनुमान जी की पूजा हो जाएगी,
दिन उसके बाद पटाखे छोड़ेंगे हम हवा में स्काई शॉट वगैरह। बस यार मार्केट में जाके पटाखे हमें मिल जाएं, शर्ट तो आज मिली नहीं, बस पटाखे तो जरूर मिलने चाहिए यार। शर्ट तो चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली, लेकिन पटाखे मिलने चाहिए। क्योंकि मैं गाइस शाम हो चुकी थी, हमारी हनुमान जयंती का प्रोग्राम बस चालू होने वाला है। गाइस आप सब सोच रहे होंगे माइकल के पास ऑरेंज कलर की जैकेट कहाँ से आई। जब घर आया था ना तो मेंटर ने मुझे बताया कि तुम्हारे अलमारी में रखी हुई है ऑरेंज कलर की जैकेट, और आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक पटाखा भी रखा हुआ है। गाइस मेरे को पटाखे मिल गए थे। गाइस शॉट है ना मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख दिया और एक पटाखा मैंने अपने हाथ में ले रखा है आपको दिखाने के लिए कि कैसे चलता है ये पटाखा। गाइस ये वाला पटाखा है ना कलर वाला है तो कलर निकालता है, आप देख आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मैंने इसको फेंक दिया है। गाइस ये देखो मैंने इसको फेंक दिया और देखो गाइस कितना सारा कलर निकाल रहा है। गाइस ये बहुत देर तक कलर निकाल के रख, जैसे हनुमान जी की पूजा हो जाएगी ना तो माइकल ये 3-4 कलर बॉम्ब भी फोड़ देगा। तो भी चलते हैं फटाफट ट्रेवर के दोस्त के एयरपोर्ट पे, देखते हैं उन्होंने क्या तैयारी करी हनुमान जयंती की। गाइस मैं ना ट्रेवर के पास जा रहा था लेकिन है ना तभी अमेंडा का मेरे पास कॉल आता है, वो बोलते है कि हमें भी देखनी है हनुमान जयंती। गाइस अमेंडा ट्रेसी और जिमी है ना बाहर शॉपिंग करने गए हुए थे, वो तीनों है ना माइकल का कपड़े की दुकान के बाहर वेट कर रहे हैं। जल्दी से चलते हैं कपड़े की दुकान पे, उनको बिठाते हैं गाड़ी के अंदर और उनको भी लेकर चलते हैं ट्रेवर के पास, वो भी देख लेंगे हनुमान जयंती की कैसे होती है हनुमान जयंती। फ्रैंकलिन भी आ गया, हमारे 3-4 दोस्त भी आ रखे वहाँ पे, सब आ गए। वो बोल रहे हैं माइकल जल्दी से आ जा, जब तू आएगा तभी पूजा स्टार्ट करेंगे। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, अभी तो यहाँ से बहुत दूर है वो दुकान, जल्दी से चलते हैं। गाइस मैंने अमेंडा जिम्मी और टेसी को है ना पिकअप कर लिया था दुकान से, फिर चलते हैं फटाफट ट्रेवर के पास हनुमान जयंती एंजॉय करने के लिए। तो यार अभी यहाँ से है ना बहुत दूर है ट्रेवर का घर, तो ट्रेवर का फोन पे फोन आया जा रहा है। गाइस वो बहुत गुस्सा कर रहा है, माइकल कहाँ पे रह गया तेरे चक्कर में, हम सब वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जा पूजा का टाइम निकला जा रहा है। गाइस हमें को जल्दी से फास्ट गाड़ी चलानी पड़ेगी एकदम। गाइस मैं अपनी फॉर्च्यूनर को है ना फास्ट भी नहीं चला सकता, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया इसका या फिर ये टूट गई ना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको है ना ऑफ रोडिंग के लिए लेकर जाना है मुझे फ्रैंकलिन के साथ। यार इससे अच्छा मैं दूसरी गाड़ी लेकर आ जाता। कोई बात नहीं गाइस धीरे धीरे आराम से पहुंच जाएंगे, चलते हैं फटाफट, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। गाइस चलो मैं आपको है ना सीधा ट्रेवर के पास पहुंच कर ही मिलता हूँ। गाइस माइकल आ चुका था ट्रेवर के पास, आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, यहाँ पे देख सकते हो लॉस सैंटोस के सारे बंदर यहाँ पे आके हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे न्यूज वाले और फोटोग्राफर वाले भी आए हैं, आप देख सकते हो हनुमान जी की मूर्ति की फोटोज क्लिक कर रहे हैं सारे। गाइस आप इन सारे बंदरों को देखो कैसे पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की हमारे। यहाँ पे देखो ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने भी ऑरेंज कलर की जैकेट पहन रखी है और ये खड़ी मेरी फैमिली सामने। गाइस हनुमान जी की पूजा हमने कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या क्या कर रखा है। तो गाइस देखो हमने हनुमान जी के आगे मोमबत्तियां भी लगा रखी हैं, फ्लावर भी रख रखे हैं और यहाँ पे साइड में मिठाइयों के डब्बे भी रख रखे हैं। गाइस आप बंदरों को देखो, गाइस सारे बंदर हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने पूजा कर रहे हैं। गाइस पूजा हो चुकी है हनुमान जी की, तो चलो अब स्काई शॉट छोड़ने की बारी है, स्काई शॉट भी छोड़ेंगे। स्काई शॉट लेकर आया हमारी गाड़ी के डिक्की में पड़े हुए हैं, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ा डीजे लगा रखा है यहाँ पे। तो गाइस देखते हैं लैपटॉप में कौन से गाने बजा रखे हैं फ्रैंकलिन ने। तो चलो गाइस लैपटॉप के अंदर से है ना कोई हनुमान जी का गाना चलाते हैं बढ़िया वाला। गाना बजाने से पहले है ना माइकल ने सोचा कि मैं एक सेल्फी ले लूं हनुमान जी के साथ, इतना बड़ा भक्त हूं हनुमान जी का, एक सेल्फी तो बनती है अच्छी मूर्ति के साथ हनुमान जी की। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बढ़िया फोटो आ रही है माइकल और हनुमान जी की, चलो क्लिक कर लेते हैं फोटो है। तो चलो गाइस ये फोटो क्लिक कर लेते हैं, हनुमान जयंती की याद दिलाती रहेगी जब भी इस फोटो को देखूंगा मैं, तो हनुमान जयंती की याद दिलाती रहेगी जब भी इस फोटो को मैं देखूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी भयंकर फोटो आई है। चलो गाइस डीजे में एक भड़कता हनुमान जी का गाना चलाते हैं, फिर सब नाचेंगे। गाइस आप देख सकते हो माइकल ने ना स्काई शॉट छोड़ दिया हवा के अंदर, तो आप देख सकते हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है हनुमान जी के आसपास पूरे पटाखे पटाखे जल रहे हैं स्काई शॉट हवा में जाने वाले। तो गाइस आप देख सकते हो हवा में भी कितने अच्छे से स्काई शॉट फूट रहे हैं। गाइस हम सबकी तो हनुमान जयंती बहुत ही ज्यादा अच्छी गई, आप देख सकते हो गाइस कितने अच्छे पटाखे लग रहे हैं, रंगीन हो गया सब कुछ यहाँ पे। गाइस यहाँ पे सारे अभी तक नाचे जा रहे हैं और आप देख सकते हो गाइस आप देख सकते हो सब कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। हाँ गाइस जय श्री राम लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में सारे के सारे भाई लोग।